हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम हिंदी के 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके लास्ट एग्जाम में पूछे गए थे। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें पूछ रहा है कि आमलक का तद्भव शब्द क्या है, यानी आमलक क्या है, एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास आदर्शिका, आम्र, आपात या आंवला। तो यहाँ जो डी ऑप्शन वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आंवला का तत्सम शब्द होता है आमलक और तद्भव पूछ रहा है, तो यहाँ डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि तिनका का तत्सम शब्द क्या है, यानी तिनका क्या है, एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है तृण, तिक्त, ताम्र या त्वरित। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तिनका का तत्सम शब्द क्या होगा, तृण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो तकदीर शब्द है वो कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, फारसी शब्द है, तद्भव शब्द है या अरबी शब्द है। तो यहाँ जो आपका डी ऑप्शन है सही हो जाएगा कि तकदीर कैसा शब्द है, ये एक अरबी भाषा का शब्द है। तकदीर कैसा शब्द है, अरबी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी चार में से तीन तत्सम रूप में लिखे गए हैं लेकिन एक तत्सम रूप में नहीं लिखा गया, वही आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास प्रागुण, दुसक्ष्टि, पीढ़ी, विग्रह। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें जो आपका सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि जो पीढ़ी लिखा हुआ है ये क्या है, ये तद्भव रूप में लिखा हुआ है, ये इसका तत्सम रूप नहीं है। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के बिहाफ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें क्या कहते हैं, यानी जिन शब्दों का रूप हमेशा समान रहता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अव्यय, वचन, क्रिया या लिंग। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ जो आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि जो अव्यय होते हैं उन शब्दों का रूप जो होता है सदैव समान रहता है। तो यहाँ ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि धीरे चलो में अव्यय का कौन सा प्रकार है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक। तो कमेंट करके बताइए इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ जो आपका ए ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा कि इसमें कौन सा विशेषण है, इसमें अवयव का कौन सा प्रकार है, क्रिया विशेषण अवयव है। धीरे चलो में क्रिया विशेषण अवयव का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। इसमें पूछ रहा है कि किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफेद कमीज नहीं पहनता, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। तो परिमाण की बात कर रहा है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी परिमाण की ही बात कर रहा है इस स्टेटमेंट में, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है, बारी बारी, भीतर, आज या यथासंभव। तो यहाँ कालवाचक यानी टाइम की बात कर रहा है, तो यहाँ कौन सा वर्ड टाइम बता रहा है, आज। तो यहाँ जो सही वर्ड हो जाएगा यानी सही जो शब्द हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आज। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, वह तेज दौड़ता है, तुम यहीं ठहरो, सारे कलाकार ऊपर हैं, धूप में चला नहीं जाता। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या हुआ है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है यानी शुद्ध रूप प्रयोग नहीं हुआ है, इस वजह से यह डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के बिहाफ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी ऐसा इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ ही नहीं है। ऑप्शन आपके पास लगता है तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते, दूसरा है उसे थोड़ा भी कुछ कहा कि काम बिगड़ जाएगा, मोहन से खाया नहीं जाता, बालक तेज दौड़ता है। तो राइट ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है वह गलती होने से डरती है, यानी यहाँ आपको बीच में रिक्त स्थान है उसमें उचित क्रिया विशेषण शब्द कौन सा आएगा ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास बहुत, तेज, अचानक या धीरे धीरे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक, यानी ए सही हो जाएगा आपका। वह गलती होने से बहुत डरती है, तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे संधि विच्छेद पूछा गया है और ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें पूछ रहा है कि देव्यर्पण का संधि विच्छेद क्या है, तो यहाँ देखिए या यूज हुआ है और या किसमें बनता है, इकोएड यानी यड़ संधि में, ई
और आ मिलकर क्या बनते हैं, या बन जाता है। तो यहाँ देखिए कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि देवी प्लस अर्पण क्या बन जाएगा, देव्य अर्पण बन जाएगा। ई प्लस आ मिलकर या बन जाएंगे, तो यहाँ या आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। और ये किस संधि का उदाहरण है, ये आपका यड स्वर संधि का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी आपको चार में से एक ऐसा वर्ड है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है उसे आपको बताना है। उपसर्ग मतलब जो आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं। पहला है उपकार, दूसरा है लाभदायक, तीसरा है अपनापन और चौथा है समझदार। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसमें उप प्लस कार लगा हुआ है, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी अनिच्छा में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, अ, अन, अनि या अन। तो यहाँ जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसका अगर हम विच्छेद करते हैं तो ये बन जाएगा आपका अन प्लस इच्छा, तो उसको मिला के बनेगा अनिच्छा। तो यहाँ अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी अन उपसर्ग का यूज हुआ है, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहे हैं कि इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है, इंद्रजीत, इष्ट, इंद्रियजीत या ईस्पित। तो यहाँ जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि जो इंद्रियों को वश में रखता है उसे हम कहते हैं इंद्रियजीत, ना कि इंद्रजीत, इंद्रियजीत हो जाएगा। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसका अनुभव किया गया हो वो क्या कहलाएगा, अनुभवी, अनुभूत, अनुभव योग या अनुभावी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुभूत, जिसका अनुभव किया गया हो वो क्या है, अनुभूत है। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और जिसने अनुभव किया हो, जिसे अनुभव हो उसे हम अनुभवी कहेंगे। इस क्वेश्चन के भी यहाँ पे बी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या है, मन को आनंदित करने वाला, जिसको प्राप्त ना किया जा सके, जो संपूर्ण गुणों से युक्त हो, या जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ होता है जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहे हैं कि वकील किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का, अरबी भाषा का, तुर्की भाषा का या पुर्तगाली भाषा का। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि जो वकील शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहे हैं कौन सा उपसर्ग सही रहित शब्द है, यानी चार में से एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है वो आपको बताना है। तो इसकी बात करें तो सम प्लस योग, यानी इसमें उपसर्ग लगा है, वी प्लस देश इसमें भी लगा है, अति प्लस अधिक इसमें भी लगा हुआ है, लेकिन सुरेश में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय क्या पीछे लगते हैं, तो वही पूछ रहा है, हिमा, मा, आ या इमा। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इमा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहे हैं आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ क्या है, विपत्ति आना, खरी कोटी सुनाना, कर्तव्य पूरा करना या आलोचना करना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन आड़े हाथों लेना, हाँ खरी कोटी सुनाना, तो इसमें बी ऑप्शन एकदम सही हो जाता है। कहते नहीं रो, इन्होंने आड़े हाथों ले लिया मतलब खरी कोटी सुना दिया, तो यहाँ आपका जो बी ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी पूछ रहा है कि सूरज को दीपक दिखाना का क्या अर्थ है, ये क्या एक लोकोक्ति एक मुहावरा है जिसका अर्थ आपसे पूछा जा रहा है कि सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या होगा, रोशनी में अंधकार होना, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, प्रभाव स्थापित करना या सम्मान बढ़ाना। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि सूरज को दीपक दिखाना मतलब होता है किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंचानन में कौन सा समास है, पंच प्लस आनन यानी जिसके पांच मुख हो, तो इसमें क्या तीसरे पर्सन की तरफ इशारा कर रहा है, तो कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीह समास हो जाएगा। जहां आपका विशेषण विशेष की बात करें वहां कर्मधारय समास हो जाएगा, जहां नंबर की बात करें लेकिन तीसरे पर्सन की ओर इशारा ना करें वहां द्विगु समास होगा। तो यहाँ अगर देखें तो यहाँ तीसरे पर्सन की तरफ इशारा कर रहा है तो यहाँ बहुव्रीह समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कि शब्द समूह के लिए एक शब्द का चयन करना है,
युद्ध की इच्छा रखने वाले को हम या क्या कहेंगे, मुमुच्छु, बहुश्रुत, युयुत्सु या मौक्ति? तो हम युद्ध की इच्छा जो रखता है, यानी युद्ध की जो इच्छा रखने वाला है, उसे हम युयुत्सु कहते हैं। तो इस स्टेटमेंट के लिए एक वर्ड हो जाएगा युयुत्सु। तो यहाँ सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उन्हें क्या कहेंगे, विशंभर, दिक्पाल, पैगंबर या दिगंबर? तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उन्हें हम दिगंबर कहते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे पूछ रहा है कि शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन करना है। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसे क्या कहेंगे, आशु कवि, कुशाग्र, आशुलिपि या विद्वान? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सकता है उसे कहते हैं आशु कवि। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि तृष्णा का पर्यायवाची कौन सा है, मकरंद, सहचर, रसिका या लिप्सा? तो तृष्णा, लालच, लिप्सा ये क्या है, एक दूसरे का पर्यायवाची है। तो यहाँ डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्छलन का विलोमार्थक शब्द क्या है, यानी उच्छलन जो वर्ड है उसका विलोम क्या हो जाएगा, सामान्य, परवर्ती, रूढ़िवादी या विनम्र? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, विनम्र। उच्छलन का विलोम अर्थक हो जाएगा विनम्र। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो उसके लिए एक शब्द कौन सा यूज करेंगे, कथित, किंवदंती, औपचारिक या उल्लेखनीय? यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो उसे कहते हैं किंवदंती। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर उसके बाद पूछ रहा है, निष्कपट शब्द में उपसर्ग कौन सा यूज हुआ है, तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। ये आपका राइट ऑप्शन है, यानी निष्कपट में जो उपसर्ग यूज हुआ है वो ये यूज हुआ है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर पूछ रहा है, प्रत्यय शब्द निर्मित है, यानी प्रत्यय शब्द किन दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, किनके संयोग से मिलकर बना है, प्रति प्लस ए, प्रत्यय प्लस या, प्रति प्लस ए या प्रति प्लस या? तो यहाँ क्या है, या है। तो प्रति प्लस ए से मिलकर बना है क्या, प्रत्यय, ई और आ मिलेंगे तो या मिल जाएंगे, तो यहाँ प्रत्यय बन जाएगा। और ये किस संधि विच्छेद है, तो किस संधि का उदाहरण है, ये आपका यड़ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। तो यहाँ सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे, सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, सत प्लस चित प्लस आनंद, सच्चिद प्लस आनंद, सच्ची प्लस दानंद या सत दन चिद प्लस आनंद? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए सही हो जाएगा। सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद होता है सत प्लस चित प्लस आनंद, और ये आपका व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह मसूर और मसूर की दाल का अर्थ क्या है, यानी यह मुंह और मसूर की दाल का अर्थ क्या होगा, मसूर की दाल का महंगा होना, मूर्ख अच्छी वस्तु की कद्र नहीं करते, अपने को बड़े व्यक्तियों में गिनना या अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद? तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि इस जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, यह मुंह और मसूर की दाल, इसका अर्थ होता है अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद करना। तो यहाँ डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि चित्त पर चढ़ना का अर्थ क्या होता है, यानी चित्त पर चढ़ना इसका मतलब क्या होता है, खुशियां मनाना, अत्यंत प्रिय होना, शोभा बढ़ाना या सदा स्मरण रहना? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि चित्त पर चढ़ना का अर्थ होता है सदा स्मरण रहना। लोग कहते नहीं आप तो हमारे चित्त पर चढ़ गए, यानी आप हमें सदा स्मरण रहेंगे। यहाँ डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको। लोकोक्ति है असरफिया, लुटे, कोयलों पर मुहर। ऑप्शन आपके पास, छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय, संपूर्ण लाभ स्वयं उठाना, मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान या आय से अधिक व्यय। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी। देखिए अगर ध्यान से पढ़े, असरफिया लुटे कोयलों पर मुहर, यानी असरफिया लुट रही है लेकिन कोयलों पर हम ध्यान दे रहे हैं। तो मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा जब तुच्छ वस्तु का ध्यान करेंगे तो उसका मतलब यही हो जाएगा। तो यहाँ सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, इस कहावत का मतलब क्या है, शादी में गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना या निचले स्तर की बातें करना? ये क्वेश्चन भी हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, इस वीडियो में नहीं पहले वीडियो में। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का मतलब होता है असंगत बातें करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अत्युत्तम में संधि विच्छेद का सही विकल्प बताइए, अति प्लस युत्तम, अति प्लस उत्तम, अति
यज्ञ प्लस उत्तम या अत्यु प्लस उत्तम, तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जहाँ या की बात करें तो ई और आ आप देख लीजिए कि ई के बाद कोई असमान स्वर आ जाता है तो ई या में बदल जाता है और ये यड़ स्वर संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अत्युत्तम का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अति प्लस उत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्भ शून्य शब्द में समास कौन सा है, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष। तो अगर हम इसका समास विग्रह करें तो गर्भ शून्य का मतलब हो जाएगा गर्भ से शून्य, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा करण तत्पुरुष आ जाएगा। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ आपको रिक्त स्थान भरना है। दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है कौन सा, धर्मानुसार, धर्मनिरपेक्ष, धर्म सम्मत या धर्म सापेक्ष। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष, यानी धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का क्या है, आधार है। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है कि इन चार में से कौन सा एक शुद्ध है, बाकी तो सब अशुद्ध है, यानी सब गलत है, तीन गलत दिए हुए एक सही दिया हुआ, उसी को आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन आपके पास भानु, वृक्ष, ये तो गलत ही लिखा हुआ है, ऐतिहासिक भी ऐसे नहीं लिखा जाता, आकांक्षा। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, यानी जो आकांक्षा है वो सही लिखा हुआ है, भानु नहीं होता, भानु होता है, यानी छोटा उ की मात्रा लगती है, तो ये भी गलत वर्ड लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आकांक्षा जो लिखा है वो सही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा है कौन सा शब्द यामिनी का पर्यायवाची नहीं है, निशा, रजनी, विभावरी या दिवस। तो यहाँ जो यामिनी का पर्यायवाची नहीं है वो हो जाएगा आपका डी, दिवस यामिनी का पर्यायवाची नहीं है। यामिनी मतलब होता है रात, रात का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, निशा, रजनी, विभावरी, ये सब पर्यायवाची हैं एक दूसरे के, लेकिन डी से इसका कोई वास्ता नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन के बिहाफ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछ रहे हैं आधी रात का समय क्या कहलाता है, सर्वरी, विभावरी, निशा या निशीत। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, निशीत, यानी आधी रात का जो समय होता है वो कहलाता है निशीत। तो यहाँ डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको विपरीत आर्थक शब्द बताने हैं, यानी कर्षण का विपरीत का क्या हो जाएगा, कनिष्ठ, सिक्त, अपकर्षण या विकर्षण। तो यहाँ जो आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि कर्षण का विपरीत होता है विकर्षण, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। सुसुप्त का विलोम क्या है, श्रेष्ठ, जागृत, मृत या कृतघ्न। सुसुप्त मतलब होता है सोया हुआ, सोया हुआ का उल्टा जागा हुआ, तो यहाँ जो बी ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि सुसुप्त का जो विलोम है वो हो जाएगा जागृत। फिर आपसे पूछ रहा है कि विहित का विलोम क्या होगा, सुगम, असित, निषेध या स्थूल। तो यहाँ जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, विहित का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निषेध, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर पूछ रहा है शुद्ध शब्द का चयन करना है, दीर्घायु, दीर्घायु, दीर्घायु या दीर्घार्यु। तो ये इसमें से हम क्या, कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। दीर्घायु किस तरह लिखा जाता है, ए जैसे ए में लिखा हुआ है वैसे ही दीर्घायु लिखा जाता है, तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर पूछ रहा है कि नौका शब्द का पर्यायवाची बताइए, पिया, तरंगड़ी, तरी या तरड़ीजा। तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए, इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तरी, नौका शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तरी, तो यहाँ सी ऑप्शन सही है। फिर पूछ रहा है कि तीनों कालों को जानने वाले को क्या कहते हैं, यानी जिसे तीनों कालों का ज्ञान हो, भूतकाल, भविष्यकाल और फिर उसके बाद क्या होता है वर्तमान काल, तीनों कालों का जिन्हें ज्ञान हो उसे हम क्या कहेंगे, त्रिकालज्ञ, त्रिकालदर्शी, त्रिकुटी या त्राता। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, त्रिकालज्ञ, यानी जो तीनों कालों को जानता है उसे हम त्रिकालज्ञ कहते हैं, तो ये ऑप्शन एकदम सही है। फिर पूछ रहा है कि संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है, संस्कृत, सांस्कृतिक, सांस्कृति या संस्कृति। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, संस्कृत शब्द का जो विशेषण है वो हो जाएगा सांस्कृतिक, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर पूछ रहा है सप्त प्लस ऋषि, इससे बनी जो संधि है, इससे जो शब्द संधि बनेगी सप्तर्षि, इससे वर्ड बनेगा सप्तर्षि, सप्तर्षि का संधि विच्छेद हुआ सप्त प्लस ऋषि, तो इसमें कौन सी संधि यूज हुई है, दीर्घ संधि, यड़ संधि, व्यंजन संधि या गुड़ संधि। तो यहाँ जो आपका संधि हो जाएगा वो हो जाएगा गुड़ संधि, सप्त प्लस ऋषि में कौन सी संधि यूज हुई है, गुड़ संधि यूज हुई है। तो इस वीडियो में हमने टोटल हिंदी के 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी सीरीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू सीरीज के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।